हनुमान जी के चरित्र बहुत सुहावन चरित्र है। मेघनाद के वध के लिए गए हुए श्री लक्ष्मण जब मूर्छित होते हैं, उन्हें उस अस्वस्थ अवस्था में गोद में लेकर भगवान की गोद तक पहुंचाना श्री हनुमान जी का कार्य है। उपचार के लिए सदगुरु वैद्य को लाना श्री हनुमान जी का कार्य है और संजीवनी बूटी को लाना श्री हनुमान जी का कार्य है। अब यहां तीन हैं, भगवान, सदगुरु और संजीवनी बूटी। वैद्य, भगवान और संजीवनी बूटी, इसका अर्थ यह है कि श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र इतना पवित्र है, इतना पावन है, भगवान से मिलाने वाले वे हैं। सदगुरु को हमारे जीवन में लेकर आने वाले वे हैं और भक्ति की संजीवनी बूटी लाने वाले भी वे हैं, पर्वत के माध्यम से। तो हमें संकेत यह मिलता है कि चाहे हमें सदगुरु की आवश्यकता हो, चाहे हमें भगवान की आवश्यकता हो, चाहे वेद पुराण सम्मत भगवत भक्ति की आवश्यकता हो, ये तीन तीन लाभ के लिए एकमात्र हनुमान जी पर्याप्त हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो हनुमान जी का आश्रय लेता है उसका जीवन भगवान से जुड़ता है, सदगुरु से जुड़ता है और वेद पुराण सम्मत भक्ति से जुड़ता है। और यही कारण है कि जब श्री सीता माता की खोज के लिए सभी वानर आ रहे थे तो हनुमान जी सबसे पीछे, पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय, पाछे पवन तनय, पाछे पवन सिरुना जान काज प्रभु निकट बुलावा, पाछे पवन तनय, पवन तनय। हनुमान जी पीछे और सभी वानर आगे आगे, और वानर राम जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे, हनुमान जी सबसे पीछे। किसी ने हनुमान जी से कहा कि भगवान के दर्शन में भी सबसे पीछे, भगवान को प्रणाम करने में भी सबसे पीछे। अरे भगवान को प्रणाम करने में तो आगे रहना चाहिए, आप इन वानरों के पीछे पीछे चल रहे हो। भगवान को प्रणाम करने का क्षण है और आप इनके पीछे आगे होना चाहिए। श्री हनुमान जी ने कहा कि किसी किसी के पीछे भी चलना चाहिए। कहा किसके पीछे चलना चाहिए? हनुमान जी बोले जो भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हो उनके पीछे पीछे चलने में ही जीव का कल्याण है। वो भगवान को पाने के लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और इसलिए आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर। राह के पेचुखम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते हम इनके पीछे पीछे चलें, ये जा रहे हम। और दूसरा आशय यह है कि राम जी को पाने के लिए जो वानर जा रहे हैं, श्री हनुमान जी उनके पीछे चल रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि पीछे ही नहीं चल रहे हैं, एक दूसरा काम भी कर रहे हैं। क्या? कहा भगवान को पाने के लिए जैसे ही कोई आगे बढ़ता है हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, और जब तक उसे भगवान से न मिला दें तब तक पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा पीछे क्यों पड़ जाते हो? बोले ताकि वो पीछे न लौट पावे।
भगवान को पाने के लिए कोई आगे बढ़े तो उसे पीछे नहीं लौटने देते, पीछे पड़ के भगवान से मिलाकर ही पीछा छोड़ते हैं। और सचमुच हनुमान जी जिसके पीछे पड़ जाएं, उसे भगवान मिल ही जाते हैं, निश्चित मिलेंगे। तो इनके पीछे क्यों का बंदर है, इनका क्या ठिकाना, कब आगे बढ़े कब पीछे लौटा। और अगर देखा जाए तो हम सबको एक एक बंदर मिला है, दिखता नहीं है क्योंकि अंदर है, मन ही तो वह बंदर है, इसका कोई ठिकाना नहीं, कब उधर चले कब इधर। एक क्षण में भोगी एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी क्षण में योगी, पल भर में ज्ञानी पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण मैं वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, अपने मन के भरोसे न रहे। तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन। हम चाहते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। एक दृष्टि यह भी है, ये मन ही चंचल वानर वृत्ति वाला है, हनुमान जी इसके पीछे पड़े। और कितना सुंदर संकेत है कि सत्संग जिसके पीछे पड़ा हो वह मन पीछे नहीं लौटता, वह तो भगवान की
प्राप्ति करके ही धन्य होता है। अब एक तीसरी बात में, हनुमान जी का चरित्र इतना पावन चरित्र है कि यहां वानर जाएंगे, प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा, यहां पाने की बात, मिलने की बात, तो मिलने की पाने की बात में हनुमान जी पीछे, और खोने की बात हो, संकट की बात हो, तो हनुमान जी आगे। इसीलिए जब वानर वन में गए तो भटक गए, सबको लगा कि बिना जल के मृत्यु सन्निकट है, तृषाकुल थे सभी। श्री हनुमान जी ने पहाड़ के शिखर पर जाकर देखा, गुफा का द्वार दिखा, बहुत से पक्षी प्रवेश कर रहे थे, बहुत से बाहर आ रहे थे, समझ गए यहां जल होगा। सभी वानरों से कहा कि अनुमान सही होना चाहिए, जल होगा, आगे आगे चलो। अंगद जी प्रमुख हैं, आगे चल रहे थे, और जब गुफा की बात आई कि आगे चलो, तो अंगद जी बोले मैं यहां आगे नहीं जाऊंगा। सभी ने कहा हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आप हमारे प्रमुख हैं, आगे आगे। अंगद जी ने कहा सब जगह आगे चलूंगा, गुफा में आगे नहीं जाऊंगा। कहा क्यों बोलिए, गुफा हमारे लिए अच्छी नहीं, हमारे परिवार के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि हमारे पिता बाली और चाचा सुग्रीव का झगड़ा ही गुफा के पीछे हुआ, और जब से ये हुआ तब से हमने गुफा में आगे तो जाने ही बंद कर दिया है, पता नहीं क्या संकट हो। तब आगे कौन दिखाई देते हैं, आगे के हनुमान लीनागे, हे हनुमान पैठे विवर विलंब न कीना गे, हे हनुमान कहीं आगे के हनुमान। हनुमान जी वहां आगे हो गए, संकट की संभावना हो तो हनुमान जी आगे, खोने की बात हो तो हनुमान जी आगे, पाने की बात हो तो हनुमान जी पीछे। हम लोग पाने की बात हो तो आगे, खतरा हो खोने की स्थिति हो तो पीछे। मिले तो उसमें हम सबसे आगे हों, और कुछ बिगड़ रहा हो तो दूसरे का बिगड़े, बने तो हमारा बने। पर हनुमान जी महाराज ऐसे। अच्छा देखो, मैंने आपसे निवेदन किया कि हनुमान जी तीन से सहज जोड़ देते हैं, संजीवनी बूटी से, सदगुरु से और भगवान से। संजीवनी बूटी भक्ति रूपा है, लघुपति भगति सजीवन मूली, सुखैन वैद्य सदगुरु के स्वरूप हैं, और राम जी भगवान है। अच्छा अब एक बात और भी सोचें, ये तीनों अलग अलग जगह हैं, जहां राम जी हैं वहां सुखैन वैद्य नहीं, और जहां सुखैन वैद्य हैं वहां राम जी नहीं है, और जहां संजीवनी बूटी है वहां ये दोनों नहीं है, पर हनुमान जी ने तीनों को इकट्ठे कर दिए। वहीं राम जी, वहीं ले आए सुखैन वैद्य को, वहीं ले आए संजीवनी बूटी, ये तीनों को इकट्ठा कर दिया। तो हमें तो यह लगता है कि इन तीनों को इकट्ठे अगर किसी एक में पाना हो तो हनुमान जी में ही तीनों मिल जाएंगे। कैसे? सदगुरु को पाना हो तो हनुमान जी, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाम। श्री हनुमान जी गुरुदेव हैं, श्री
श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने तो गुरु रूप में देखा हनुमान जी को, इसीलिए श्री हनुमान चालीसा का आरंभ भी गुरु वंदना से। श्री गुरु चरण सरोज रज, और समापन भी कृपा करहु गुरुदेव की नाय। हनुमान जी गुरुदेव हैं। अच्छा, श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा गुरुदेव हैं? हाँ, गुरुदेव का काम भगवान को दिखा देना, भगवान से मिला देना और भगवान से पहचान करा देना। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान सामने भी हो, मुश्किलें होती हैं, आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं, आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं, धर्म की राह पे चलना तो कोई खेल नहीं, फर्ज की होती है पहचान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान। मैं की मस्ती से भी बढ़ के है खुदी की मस्ती, अभिमान का नशा हर एक नशे से बड़ा है। मैं की मस्ती से भी बढ़ के है खुदी की मस्ती, होश में आता है इंसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें हो। ढूंढने वाले को मिल जाते प्रभु है, कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से, आंख कर सकती है। राम हरि गुण गाए जिंदगी बेकार न थर, चोला मिलता है ये नादान बड़ी मुश्किल से, आदमी हो। आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। श्री तुलसीदास जी को तो भगवान मिल गए, सामने खड़े हैं। श्री तुलसीदास जी चंदन उतार रहे हैं, नेत्र प्रेम आंसुओं से भरे हैं। मंदाकिनी गंगा जी के किनारे चित्रकूट में मौनी अमावस्या के दिन बैठे हैं, चंदन उतार रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए, बाबा थोड़ा चंदन हमें दे दो। श्री तुलसीदास जी ने सिर झुकाए झुकाए उत्तर दिया, भैया हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, किसी और से मांग लो, घाट पर बहुत से पंडे हैं, हमें हमारे हाल पर अकेला छोड़ दो,
राम जी मन ही मन हंसे कि जिसके लिए परेशान है वही तो सामने है। भगवान ने कहा कि बाबा चंदन दो चाहे मत दो, पर एक बात बताओ, क्यों रो रहे हो, कौन खो गया है तुम्हारा? श्री तुलसीदास जी ने कहा मेरे भगवान मुझे नहीं मिल रहे। तब तो आपके भगवान बड़े कठोर हैं, आप इतना रोते हो भगवान नहीं मिल रहे। अब तुलसीदास जी ने सिर ऊपर किया, इनको मुझसे इतनी सहानुभूति है, तो हाथ जोड़ के बोले ना भैया ऐसे मत कहो, भगवान कठोर नहीं है, भगवान तो बड़े कृपालु हैं, हमारा भाग्य ही ऐसा है, हैं तो वो कृपालु पर भाग्य ऐसा है, मेरा क्या करें। भगवान ने कहा रे रे रे, हमें बड़ा दुख हुआ आपकी यह दशा देखकर, और आपके भगवान से भी हमें शिकायत है। भगवान ही कह रहे हैं। अब बोलो भक्त हैं तुलसीदास जी, राम जी हैं भगवान, भक्त भगवान दोनों मिल गए, पर मिलकर भी नहीं मिले, और भगवान के साथ यही सबसे बड़ी कठिनाई है। एक संत कहते थे कि जगत के पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति है, जगत के पदार्थों की प्राप्ति हम उसी की तो कामना करते हैं जो प्राप्त ना हुआ हो, अप्राप्त की प्राप्ति है, पर परमात्मा की प्राप्ति तो प्राप्त की प्राप्ति है, वो तो मिले हुए हैं, खोया होए तो फिर मिले, और रूठा ले ही मनाए, और मिला रहे फिर ना मिले, तासों कौन बसाए। भगवान मिले हैं, दिख रहे हैं फिर भी नहीं दिख रहे, नियरे हुए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। आंख ठीक नहीं है, पर आंख का मोतिया बिंद ज्ञान वैराग्य के नेत्रों में राग द्वेष का मोतिया बिंद आ गया है। अंजन चाहिए, और अंजन भी कौन सा, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, जिन आंखों से राग द्वेष के कारण हम परमात्मा को नहीं देख पाते, मन की उन्हीं ज्ञान वैराग्य की आंखों में जब राग द्वेष का मोतियाबिंद मिटाने के लिए गुरुदेव के चरण धूलि का अंजन लगाते हैं, तब हम भगवान को देख पाते हैं, यह गुरुदेव की महिमा है। तो भक्त हैं तुलसीदास जी, राम जी हैं भगवान, लेकिन आवश्यकता है गुरुदेव की, तो गुरुदेव बनकर बोले कौन, हनुमान जी, आवाज सुनाई पड़ी, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता, शोभा राम चंद्र की देखो नित्य नवल सी, उन गायक सीता राम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और जो हनुमान जी ने यह ज्ञान दिया, बिन गुरु होए की ज्ञान, तो तुलसीदास जी भी प्रभु पहचान पर गई चरना। तो ये गुरुदेव हैं,
कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी मिल जाए तो ऐसे लगता है कि गुरुदेव मिल गए, क्योंकि हनुमान जी गुरुदेव हैं, हनुमान जी गुरु तत्व हैं। अच्छा, इसलिए भी गुरुदेव हैं। एक जगह श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, लोग श्री हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उस पंक्ति का पाठ करने लगे। शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। एक सिद्ध पुरुष बैठे थे, वे अपनी भाव दशा में आनंदित होते हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ सुन रहे थे, और जैसे ये पंक्ति आई शंकर सुवन केशरी नंदन कहने लगे, बंद करो बंद करो बंद करो, अशुद्ध पाठ मत करो। अरे महाराज, इसमें पुस्तक में श्री हनुमान चालीसा की प्रति में यही लिखा है। महात्मा बोले लिखा है तो भी मत पढ़ो। अरे क्या लिखा है? का तुम लेखे की बात करते हो, हम देखने की बात करते, हमने जो देखा है। तो क्या? महात्मा बोले शंकर सुवन केशरी नंदन मत कहो, ये पढ़ो शंकर स्वयं केशरी नंदन। शंकर जी ही श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। जैसे ये पंक्ति आई शंकर सुवन केशरी नंदन कहने लगे, बंद करो बंद करो बंद करो, अशुद्ध पाठ मत करो। अरे महाराज, इसमें पुस्तक में श्री हनुमान चालीसा की प्रति में यही लिखा है। महात्मा बोले लिखा है तो भी मत पढ़ो। अरे क्या लिखा है? का तुम लेखे की बात करते हो, हम देखने की बात करते, हमने जो देखा है। तो क्या? महात्मा बोले शंकर सुवन केशरी नंदन मत कहो, ये पढ़ो शंकर स्वयं केशरी नंदन। शंकर जी ही श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। प्रगटे श्री काशीश कीश बने राम भगति के काज। श्री शंकर जी हनुमान जी के रूप में आए। अच्छा, शंकर जी कौन? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। शंकर भगवान सदगुरु हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूप। तो शंकर जी हैं गुरुदेव और उनके अवतार हनुमान जी। तो हनुमान जी गुरु तत्व हैं, हनुमान जी गुरु हैं, इसलिए गुरु को पाना हो तो हनुमान जी को देखो। हनुमान जी के रूप में सदगुरु मिल जाते हैं। अच्छा, और एक बात कहूं, तुलसीदास जी को हनुमान जी गुरु रूप में दिखाई देते, पर एक भक्त को हनुमान जी मिले, वे हैं भगवत भक्ति भूषण परम भागवत श्री भरत जी। हनुमान जी अयोध्या में संदेश लेकर आए कि श्री राम जी आ रहे हैं। विपुरण जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। श्री भरत जी ने जो यह समाचार सुना तो यही बोले, को तुम तात कहां ते आए, मोही परम प्रिय बचन सुनाए, मोही परम प्रिय बचन सुनाए, मोही परम आप कौन हैं? इतने परम प्रिय वचन सुनाने वाले कौन हैं? हनुमान जी विप्र रूप में आए थे, प्रकट हो गए अपने वानर रूप में, और यही कहा,
श्रुत सुत में कपि हनुमाना, श्रुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधान, नाम मोर कृपा निधान, श्री हनुमान जी ने कहा कि मैं पवन का पुत्र हनुमान, श्री भरत जी आपसे पहले भी मिला हूं, आपका दर्शन हुआ है पहले भी। हाँ हाँ, अरे हनुमान जी, श्री भरत जी ने भुजाएं बढ़ाई, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, अत्यंत आनंदित हुए। और मिलकर जब अलग हुए तो श्री भरत जी ने श्री हनुमान जी से कहा, क्या आप सचमुच हनुमान हो? हनुमान जी ने कहा, सचमुच के हनुमान कैसे होते हैं? हम तो हैं वही हनुमान ही हैं। भरत जी अत्यंत भाव भरी दशा में कहते हैं कि यह तो मैं भी समझ रहा हूं कि आप हनुमान हो, हमारे नेत्र कहते हैं कि आप हनुमान हो, बुद्धि कहती है कि आप हनुमान हो, बुद्धि कहती है कि आप हनुमान हो, नेत्र कहते हैं कि आप हनुमान हो, लेकिन जब आपको हृदय से लगाता हूं तो हृदय कुछ और बोलने लगता है। क्या हृदय क्या बोलता है? श्री भरत जी कहते हैं, जब आपको हृदय से लगाता हूं तो ऐसे लगता है, कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। आंखों से देखने पर हनुमान दिखते हो, बुद्धि कहती है कि आप हनुमान हो, लेकिन जब हृदय से लगाता हूं तो ऐसे लगता है कि हनुमान जी से नहीं राम जी से मिल रहा हूं। तो कहीं आप राम जी तो नहीं है, इस रूप में आ गए? हनुमान जी के आंसू बरसने लगे। राम जी के मिलन का अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि जासु हृदय आगार, बस ही राम सर चाप धर, ओ राम जासु हृदय आगार। हनुमान जी भगवान से भरे हैं, इसलिए उनका मिलन उनका है ही नहीं, वो है ही नहीं। जब वो हो तो लगे कि वो हैं। अच्छा देखो, आपको एक बात बताएं, सूर्य उदय तो होता है पर दीवार के कारण प्रकाश भीतर नहीं आ पाता है। जैसी प्रकाश बाहर भीतर आना चाहता है दीवाल। अच्छा, अगर दीवाल की जगह द्वार हो तब तो प्रकाश को आने में कोई कठिनाई नहीं, द्वार से तो प्रकाश पहुंच जाता है, दीवार से नहीं पहुंचता। और दीवार और द्वार में अधिक अंतर नहीं है, द्वार में कुछ लगा दो तो द्वार ही दीवार है, और दीवार में से कुछ हटा दो तो दीवार ही द्वार है। द्वार में कुछ लगा दो तो द्वार ही दीवार है, और दीवार में से कुछ हटा दो तो दीवार ही द्वार है। इसी तरह जिनके जीवन में द्वार और दीवार का अंतर स्पष्ट हो गया, अर्थात जिनकी जिंदगी की दीवार में से अहंकार का कुछ हट गया, तो ये जिंदगी दीवार नहीं द्वार बन जाती। अहंकार का कुछ हटते ही जिंदगी दीवार नहीं द्वार बन जाती है, और अहंकार का कुछ लगते ही यह द्वार ही दीवार बन जाता है। हनुमान जी में अहंकार का कुछ नहीं है,
इसलिए उनका जीवन द्वार है, और जिनका जीवन द्वार बन जाता है तो द्वार जैसे ही खाली जगह देता है तो उस जगह सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं प्रकाश के रूप में। इसी तरह अहंकार का कुछ हटते ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं उसके जीवन में। तो हनुमान जी का मिलना तो भगवान का मिलना है, भरत जी को भी लगता है यही, और श्री विभीषण जी को भी लगा कि तुम राम दीन अनुरागी, निराकार की आरसी श्री सदगुरु की देह है। सदगुरु का जो स्वरूप है वो दर्पण है, और दर्पण में उसका कोई अपना चेहरा नहीं होता, इसलिए सबके चेहरे उसमें दिखते हैं। निराकार की आरसी श्री सदगुरु की देह है, और लखा जो चाहे अलख को सो इनमें लख ले। अलख भी जिनमें लखा जाता है वह हनुमान जी में, ऐसी उनकी चरित्र की पवित्रता ऊंचाई है कि वो है ही नहीं। मैं ना बंदा था न खुदा था, श्री स्वामी रामतीर्थ जी महाराज कहते हैं, मैं ना बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था, और वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की, ऐ सनम मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। और सचमुच हनुमान जी वो हैं, पर्दा हट गया है भगवान उनमें से। अच्छा, तीसरी बात हमने कही कि हनुमान जी भक्ति, भरत जी ने इस रूप में हनुमान जी को देखा, और विभीषण जी क्या कहते हैं कि तुम हरि दासन महाको की तुम हरि दासन महाको मोरे हृदय प्रीति अति हो हरिदास नम को कि तुम श्री हनुमान जी को देखकर विभीषण जी के मन में प्रेम उमड़ रहा, ये भक्ति। तो ये प्रेम क्यों उमड़ रहा है, क्योंकि हनुमान जी के पास भक्ति प्रमाण राम रसायन तुम्हारे पासा। तो इन तीनों के लिए अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं है। जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूज आई यह रेखा कुलिस पसान की, अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी विरिदावली नहीं आन की, सुमिरत संकट सोच विमोचन मूरति मोद निधान की, सानकूल तापर गिरिजा हर लखन राम अरु जान की, तुलसी कपि के कृपा बिलोकनि खानी सकल कल्याण की। हनुमान जी की कृपा से सब संभव है, बस अभिमान छोड़कर कोई उनका हो जाए। लेकिन हमारे साथ तो अभिमान ऐसे ऐसे लगा हुआ। एक भिखारी किसी घर के द्वार रोज आता भिक्षा मांग, रोज आता भिक्षा मांग, वृद्धा बैठी रहती द्वार पर, मना कर देती बुरी तरह, चलो बाबा कुछ नहीं चलो, तुम्हें और कोई काम नहीं,
यही घर मिलता है, रोज आ जाते हैं, चलो कुछ नहीं। रोज मना करती पर भिखारी ठहरा, वह भी रोज आता तो बढ़िया, फिर मना करती, ये नियम था। वो मना करना बंद न करे, वो आना बंद न करे। एक दिन वो वृद्धा कहीं गई थी मोहल्ले में किसी के यहां, पीछे से वो भिखारी आया तो बहू थी घर में, कुछ मिल जाए भिक्षा तो बहू ने कहा कि बाबा जाओ, कुछ नहीं है, जाओ। भिखारी चला गया, रास्ते में वो सास मिल गई, वो वृद्धा, कहां गए थे बाबा? तुम्हारे यहां गए थे। कुछ मिला? ना। क्यों? बहू ने मना कर दिया। बहू ने मना किया, बहू कौन होती मना करने वाली, चलो लौट कर। भिखारी ने सोचा इन दोनों के झगड़े में हमें फायदा, वो भी आ गया। सास ने कहा तूने मना किया? बहू बोली जी माता जी। क्यों किया? आप करती थी ना रोज, तो जो मैं करूंगी सो तू करेगी, मेरी बराबरी कर रही है, कल से आई है, मेरा हुक्म चलेगा, मैं जो कहती हूं वह होता है, तूने कैसे कहा? बहुत डांटा। बहू बोली गलती, गलती, अच्छा गलती है ये, मेरी बराबरी कर रही है, अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। माता जी हां, बहुत डांटा। भिखारी ने सोचा अब ठीक है, लेकिन बहू को डांटती हुई सास बोली मना करती तो मैं करती, तू कौन है मना करने वाला? और इतना कहकर भिखारी से बोली बाबा अब मैं मना करूं, कुछ नहीं है, जाओ। तो हमारे अभिमान की हालत तो ऐसी है कि मना भी करें तो हम करें। अहम कितने सूक्ष्म आकार लेकर बना रहता है। एक बार 1,000 रुपए की इनाम रखी, चंचल घोड़ा, इस पर कोई बैठकर सवारी करके बता दे, वो घोड़ा इतना चंचल कि जो पीठ पर बैठे उसी को गिरा दे। एक आदमी बोला मैं इनाम जीतूंगा, 1,000 रुपए में बैठूंगा। बैठा घोड़े पर, बैठा घोड़े ने छलांग लगाई, एक बार में एक हाथ आगे खिसक गया, दूसरी बार में यहां सिर तक, तीसरी बार में गिर गया। लोगों ने कहा हार गया, हार गया। बोला कौन उठकर खड़ा? बोले कौन कहता हार गया, जीत गया हूं, 1,000 रुपए दो। बोले कहा कि धूल तो झड़ाओ, नीचे गिर गए। काम नीचे गिरे ही नहीं। कहा क्यों नहीं गिरे, सबके सामने गिरे। बोले सब कहते रहे हम माने तब तो, हम गिरे ही नहीं। गिरे नहीं तो फिर घटना क्या घटी? उसने कहा हम तो प्रगतिवादी हैं। घोड़े ने छलांग लगाई, एक हाथ आगे बढ़ गए, दूसरी छलांग में सिर तक आ गए, और तीसरी छलांग में गिरे। गिरे नहीं, हम तो आगे बढ़ रहे थे, अब घोड़ा ही खत्म हो जाए तो हम क्या करें। कुछ लोग ऐसे भी, गिरने को भी गिरना नहीं मानते, दुर्गति को भी प्रगति, हम तो आगे बढ़ रहे थे। एक आदमी रास्ते से जा रहा था, दूसरा आदमी छत पर टहल रहा था, पान खाए हुए था, बिना सोचे समझे पान की पीक नीचे चला दी, राहगीर बेचारा टोपी लगाए उसके सिर पे गिरी। तो उसने ऐसे देख के कहा कि भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते? तो भी उसको गलती मांग के भाई गलती हो गई माफ करो भाई ना। कहा कि भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते? क्या बोला तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते? उसने कहा गनीमत है कि ऊपर देखकर नहीं चल रहे थे, नहीं सिर का स्थान मुंह ही होता। अभिमानियों की ऐसी ऐसी हालत है महाराज। दो में झगड़ा हुआ, एक ने कहा ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम्हारे 3200 दांत नीचे आ जाएंगे। दूसरा भी गुस्से में था, कहा हम ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम्हारे 64 दांत नीचे आ जाएंगे, 64। तो तीसरा बोला जरा होश में, 64 होते भी हैं तो भी गलती नहीं मानी। क्या बोला? हम जानते थे हम दो के झगड़े में तुम तीसरे जरूर बोलोगे, तो 32 उसके, 32 तुम्हारे, 64 पूरे। इसलिए भाई हमारी तो यह दशा है, पर हनुमान जी पीछे रहे तो भी कुछ नहीं, आगे रहे तो भी कुछ,
पीछे रहे तो गिलानी नहीं, आगे रहे तो अभिमान नहीं। लंका में वंदन हुआ, लंकिनी ने वंदन किया, तात मोरी अति पुण्य बहुता देखियो नयन राम कर दो, वंदन हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और दूसरे दिन बंधन में बंध गए तो भी कोई फर्क नहीं। मोह नकच बांधे कई लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। न ग्लानी है न गुमान है ऐसे, और जिसमें न ग्लानी हो न गुमान हो ऐसे श्री हनुमान है। अब हनुमान जी को इन तीनों रूपों में देखना चाहिए। अब गुरु रूप में अगर देखें तो वानरों के साथ हनुमान जी जा रहे हैं, और वानर सीता जी को खोजने जा रहे हैं, जंगल में भटक गए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि महान गंभीर गहन वन जंगल क्या है, वे कहते हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये शब्द जाल बहुत बड़ा जंगल है, चित्त को भ्रमित करने का कारण है शब्द। शब्द जाल का जंगल। अच्छा जरा इस पर विचार करें, भगवान शंकराचार्य कहते हैं शब्द जाल का जंगल है, लेकिन क्या यह भी शब्द नहीं है? जैसे कोई कहे कि तुम सत्य स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, चैतन्य हो, यह सत्य तो है, पर क्या यह भी शब्द नहीं है? तो क्या तो शब्द भटकाता है या शब्द सत्य तक पहुंचाता है? पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जंगल है, भटका देता है। चलो इसको आप ऐसे विचार करो कि शब्द बहुत जरूरी है, लेकिन असावधानी हुई तो जो शब्द सत्य तक पहुंचाता है, असावधानी होने पर वही पूरी तरह भटका देता है। कैसे? ऐसे समझो कि जैसे हम लोग दुनिया भर देखना चाहें तो देखते ही हैं, भगवान ने आंखें दी हैं, अकल दी है, देख लेते हैं। लेकिन अगर अपना चेहरा देखना हो तो दर्पण की जरूरत है कि नहीं? तो दर्पण के बिना चेहरे का ज्ञान होगा? नहीं होगा। तो दर्पण चेहरे तक पहुंचाता है कि भटकाता है? चेहरे तक पहुंचाता है। लेकिन दर्पण भटका भी सकता है। कब भटका देता है? जब हम चेहरा देखते हैं दर्पण में तो कहां दिखता है? वहां दर्पण में दिखता है। अच्छा आप विचार करो, क्या दर्पण में चेहरा है? विडंबना यही है कि जहां दिखता है वहां होता नहीं है, और जहां होता है वहां दिखता नहीं है। जहां होता है वहां दिखता नहीं, और जहां दिखता है वहां होता नहीं। अब दर्पण में दिखने वाले चेहरे को ही कोई सत्य समझ ले और जिंदगी भर उधर हाथ मारे कि इसकी नाक पकड़ने, कान पक आएगा कभी पकड़, और कभी सोचे कि हो सकता है कि हम भोजन करके पकड़ रहे हैं इसलिए फलाहार करें तो शायद आ जाए, व्रत करने से आ जाए। कितनी भी साधना की जाए पकड़ में नहीं आएगा, और दिखेगा वहीं जहां पकड़ में नहीं आएगा, तो करें क्या? अगर दर्पण में दिखने वाले चेहरे को ही सत्य समझ लिया तो दर्पण ने आपको पहुंचाया नहीं, भटका दिया। लेकिन दर्पण में दिखने वाले चेहरे की ओर हाथ न बढ़ाकर जिधर दिख रहा है उधर हाथ न बढ़ाएं, जिधर से दिख रहा है उधर हाथ लौटाएं, तो उधर दिखने वाली नाक उधर हाथ बढ़ाने से पकड़ में नहीं आती, इधर लौटाने से जब इसे पकड़ते हैं तो उधर वाली अपने आप पकड़ में आ जाती है। तो देखना उधर पड़ता है, पाना इधर होता है। इसी तरह सत्य का चेहरा शब्द के दर्पण में दिखाई देता है,
लेकिन सत्य शब्द में नहीं होता है, सत्य शब्दातीत होता है। इसलिए देखो शब्द में, पाओ कहीं और। भगवान श्री राम कृष्ण देव कितना सुंदर उदाहरण देते हैं कि पंचांग बिल्कुल सही सूचना देता है कि इतने समय इस दिन इतना पानी बरसेगा, बिल्कुल सही सूचना। पंचांग देखकर बताया कि इस समय तो वर्षा का योग है, सही सूचना। पर वे कहते हैं कि पूरे पंचांग को निचोड़ डालो, एक बूंद भी पानी नहीं गिरेगा उससे। अच्छा, अगर आज का उदाहरण देखें, रेल टाइम टेबल, रेलवे टाइम टेबल, कई बार यही लोग आपको जान, रुको यही बता दो, इस समय ये गाड़ी है, इस समय ये गाड़ी है, सभी गाड़ियां हैं उसमें, सभी रेलगाड़ियां हैं, लेकिन सभी होने के बाद भी एक भी हो सकती है उसमें, इतनी सी किताब में रेलगाड़ी। अब कोई रेलवे टाइम टेबल में लिखी रेलगाड़ी को ही सत्य समझ ले तो कहीं पहुंचेगा, कहीं नहीं पहुंचेगा। लेकिन दूसरी बात भी है, दूसरी बात यह है कि अगर रेलगाड़ी में लिखी हुई रेलगाड़ियों को असत्य समझ ले तो भी क्या कहीं पहुंचेगा? तब बड़ी विचित्रता है, उसमें लिखी हुई रेलगाड़ी को सत्य भी समझना है और सत्य नहीं भी समझना है, क्योंकि उसमें लिखा बिल्कुल सत्य है पर वहां मिलेगा नहीं। इसी तरह कुछ लोग हैं जो ग्रंथों का विरोध करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं, और कुछ लोग हैं जो ग्रंथों के शब्द अक्षर को बस ऐसा पकड़ लेते, बस शास्त्र, और शास्त्र को ही शस्त्र बना के प्रहार करते रहते। दो ही तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों के हाथ में शस्त्र होता है, कुछ लोगों के हाथ में शास्त्र। और शस्त्र का अगर अभिमान आ जाए तो वे लोग भी समाज को कम नहीं सताते, और शास्त्र का अगर अभिमान आ जाए तो वे लोग भी समाज को कम नहीं सताते। इसलिए भाई शास्त्र तो ऐसे समझो जैसे पंचांग, शास्त्र तो ऐसे समझो जैसे रेलवे टाइम टेबल। ये बात सही है कि पुस्तक, उसका नाम है पुस्तक, उस तक नहीं पहुंचाती, ये केवल पुस्तक है। अंग्रेजी बोलते पुस करो, ये पुस्तक मतलब उस दिशा में धक्का देने के लिए है। लेकिन फिर वही बात कहें, उस तक भले ही ना पहुंचाए लेकिन पुस्तक के बिना कोई उस तक पहुंचा भी नहीं है आज तक। रेलवे टाइम टेबल में देखे बिना कोई सही रेलगाड़ी तक पहुंचा भी नहीं है, लेकिन अगर कोई रेलवे टाइम टेबल में लिखी हुई रेल को ही सत्य समझे, या भगवान श्री राम कृष्ण देव के दिए हुए उदाहरण के अनुसार पंचांग में पानी की सूचना पाकर कोई पंचांग से ही पानी पाकर प्यास बुझाना चाहे, बस यही होती है कठिनाई। शब्द के दर्पण में सत्य का चेहरा देखना चाहिए, लेकिन शब्द में दिखने वाले सत्य को ही सत्य न समझें, देखें वहां और पाएं यहां।